ये गिरने की वजह से हुई है, इसने किया था इसने। एकदम बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। और आप देख सकते हैं कितना सही हुआ है, हालत हो चुकी है खराब। Once again, welcome to Bullshit Vlog. और आज का जो ब्लॉग है कुछ अलग होने वाला है। हम लोग जो अपनी बाइक है एवेंजर 150 स्ट्रेट में, एक्चुअली हुआ क्या है कि उसमें पेंट में मतलब पेंट में स्क्रैचेस तो माइनर माइनर आ ही जाते हैं, हम लोग उसको उल्टे सीधे कपड़ों से साफ करते हैं। प्लस दूसरी चीज़ जो टैंक है, टैंक पे डेंट्स आ गए हैं, मतलब डेंट्स ठोकर लगने की वजह से या फिर गिर जाने की वजह से, तो एक दो जगह वो पिचक गई है, मतलब डेंट आ गए हैं। और हाँ, सबसे खास बात, आज इस वीडियो में हमारे साथ छोटे मैकेनिक जुड़े हुए हैं, जो कि आपने इनको लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा, तो चलो उनसे आपको मिला देता हूँ। तो ये देखो, हेलो। तो आज इनको भी काम पे लगाते हैं, चलो। तो गाइज, ये रही बाइक, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक डेंट आ रहा है, पिचक गई है। यहाँ पे देखो, आपको अगर वीडियो में दिख रहा होगा, पिचक गई है, ये गिरने की वजह से हुई है। देखिए यहाँ पे भी स्क्रैचेस हैं, स्टिकर्स, ये सब निकाल देंगे, ये भी सब निकाल देंगे। एक डेंट यहाँ पे भी है, बाकी इसका साइलेंसर का भी देखिए, पेंट प्रॉपरली पूरी तरीके से जा चुका है। चिड़िया ने हक दिया, इसने किया था इसने, ये है। हम लोग निकलते हैं डेंटिंग में उसको करवाएं। तो ये हो गई रेडी फाइनल पैकअप। तो ये देखो भाई, साफ तो हो गई है इंजन सब, अब पेंट करने में आराम रहेगा। पेंट सब कायदे से साफ हो गया है। मजा आया शॉपिंग करके? हैं पूरा दिन चला गया हमारा। इसी बात पे भाई लाइक कर देना। सो गाइस, आज है डे टू और कल सारा काम हो गया था, लाइक डेंटिंग, वॉशिंग और जितना भी सामान बाकी रह गया था परचेज करने के लिए। और आज सबसे पहले अपनी गाड़ी का जितने भी स्टिकर्स हैं ये सारे निकालेंगे, फिर छोटे कल डेंट्स लगे थे डेंट से ही हुए, उन पर पुट्टी भर के और उनको अच्छे से ग्रिट और एब्रेसिव पेपर से उनको प्लेन करेंगे। प्लेन करने के बाद फिर सारी जो जितने भी पार्ट्स हैं सबको खोल के निकालेंगे, देन वो अलग अलग पेंट करेंगे, अलग अलग पार्ट निकाल के ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं, इसकी जितने भी स्टिकर्स हैं वो सब निकालते हैं और बने रहिए वीडियो पे। हमें करना क्या है कि हमें एक हेयर ड्रायर लेना है या फिर हीट करने के लिए कुछ भी, और हीट करने के बाद उसको थोड़ा कोलकाता से निकालो। इससे क्या होगा कि आपका जो पेंट है वो भी ख़राब नहीं होगा और वो ईजिली रिमूव भी हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो हीट होने के बाद देखो कितनी आसानी से ये निकल रहा है, काफ़ी पुराना स्टिकर हो चुका है इसलिए एक बार में नहीं निकलेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही निकल रहा है। और अब जा रहे हैं ये अलग पोर्शन करने। भाई साहब, क्या क्वालिटी का स्टिकर था, मतलब निकल ही नहीं रहा। तो टोटल मुझे 2.5 घंटे लग गए
अपनी पूरी गाड़ी के जितनी भी ग्राफिक्स थी सब निकालने में, और हालत हो चुकी है ख़राब। अभी नेक्स्ट पूरी गाड़ी को डिसेंबल करने जा रहे हैं। सीट हो गया, टैंक हो गया, साइड के कवर हो गए, और मतलब जितना खुल सकता है बाकी सारा खोल के उसको निकालते हैं, फिर उसके ऊपर आगे प्रोसेस करते हैं। ये अलग पोर्शन अलग कर देना क्योंकि ये टैंक से कनेक्टेड है। इनलेट पाइप वो उसको भी यहाँ से निकाल देना है आपको, और इसको ऑफ कर देना है। तो यहाँ से आपको कोई भी प्लग नहीं निकालना है, इसको एलकी की हेल्प से खोलो या इसको सिंपली चुपचाप अलग आपको ऐसे यहाँ पे टांग देना है। और ये छोटे सा आप टैंक धीमे से उठा लीजिए, धीमे से। हाँ, गुड 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 गुड। ये है एनसी पुट्टी जो कि फिलिंग में काम आएगी, और इससे ना डीप जो डेंट्स हैं वो नहीं फिल होंगे, जो सरफेस पे एकदम लाइक स्क्रैचेस होते हैं, हल्के हल्के पेंट छूट जाता है, उसके लिए फिलिंग है ये। तो अब हम जा रहे हैं इस पर पुट्टी करने, अभी कुछ इस तरीके की है और इन पत्ती का यूज़ करके। हो गया एब्रेसिव पेपर 1,200 or 400। तो हम जा रहे हैं ये एब्रेसिव पेपर यूज़ करने। सबसे पहले हम जा रहे हैं 400 साइज का ग्रिड यूज़ करने। सरफेस को गीला कर दो, एब्रेसिव पेपर को भी गीला कर लेना है, और इसको सिंपली रगड़ना है। जहाँ जहाँ खाली डेंट्स थे वहाँ वहाँ देखिए खाली फिलर भरा है, बाकी जो सरफेस थी वहाँ पे उसको हटा दिया है। और इसको स्मूथ करने के लिए 1000 के ग्रिट पेपर से इसको पूरी बॉडी को स्मूथ कर दिया है। तो अभी जा रहे हैं इसको वॉश करने, और क्योंकि टैंक के ऊपर यहाँ यहाँ तो नहीं साफ़ हुई थी कल धुलाई में। हम लोग जा रहे हैं फाइनली पेंट करने इसको, और पेंटिंग करने के लिए सेम अपनी इंडस्ट्रियल प्रोग्राम इलेक्ट्रिक पेंटिंग मशीन एंड ब्लैक पेंट एंड कार्बिन ऑयल, तो मिक्स करते हैं। तो यहाँ से चालू करते हैं, पूरा देखते हैं क्या आता है। बहुत ही जबरदस्त सारा स्प्रे, और मतलब एकदम लग नहीं रहा है कि
अब नेक्स्ट है सारे ऐसे जितने भी स्टिकर्स पेपर जो टेपिंग की थी अनवांटेड सर्फेस पे जहाँ पे पेंट ना लगे उसको निकालते हैं।